हैदराबाद शहर में एक जगह है सात गुम्बज, जहां पर एक पुरानी और मशहूर दरगाह है जिसे कहा जाता है हुसैन शाह वाली दरगाह। बिल्कुल उसके अपोजिट में पुराना सा बड़ा कब्रिस्तान है जिसका नाम है हुसैन शाह वाली कब्रिस्तान, जिसमें कुत्तों ने बनाया है अपना ठिकाना। और जैसे ही कोई कब्रिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20 से 30 कुत्ते इसके अंदर मौजूद है, जहाँ पर GHMC को कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुसलमान के कोई भी इशू हो और वो चाहे किसी के हाथ में है, पुलिस, सरकार, कलेक्टर, कोर्ट, इन सब की रफ्तार चींटी जैसी हो जाती है। चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो मस्जिद का हो, मदरसे का हो, कब्रिस्तान का हो या दरगाह का हो। क्या हैदराबाद में जो गंगा जमुना तहजीब नाम की नदी है, क्या वो सूखते जा रही है या फिर इसकी और क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। ये कब्रिस्तान में जो हिसाब से कुत्ते ऐसा आ रहे हैं, ये इसके बारे में कभी आप कंप्लेंट करें साहब, मगर आए बाहर का बाहर देखे, बाहर का बाहर चले गए, अंदर आके देखना नहीं करना नहीं, सीधा बाहर के बाहर आके गाड़ी देख ले चले। क्या बोलो तो हम कंप्लेंट करें, आए उसको मिले तो मिले नहीं तो अच्छा, अंदर आके तहकीकात करके पूरा कुत्तों को पकड़ के करके ले जाना, छोटे छोटे मासूम बच्चे फिरते करते उनके ऊपर हमला करने को तैयार है। अगर कोई कब्रिस्तान में कोई बड़ा आदमी आया तो उसके ऊपर भी हमला कर रहे हैं कुत्ते, कम से कम 50-60 कुत्ते। हाँ, छोटे बच्चों पे भी हमला कर रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और बकरिया आए तो बकरिया को फाड़ दे रहे हैं। हाँ, दूसरे जानवरों को खा जा रहे हैं। हाँ, खा जा रहे हैं। तो इससे तो और जानवरों को खा रहे तो खा रहे, मगर बच्चों को खाए तो नशक मुसीबत। हाँ, जानवर को खाए वो तो चल गया, अगर इतने भगन के एक आधा बच्चा है तो चार कुत्ते हावी हो गए तो कौन नहीं, तुम बड़े आदमी के ऊपर रंग पे आ जाते। अगर कोई लकड़ी खिकड़ी नहीं रहे ना खत्म ही कर देते। मतलब जियारत हो या उसके लिए जो है बहुत मुश्किल हो रही हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कब्रिस्तान का नाम आप क्या बोले सर? हुसैन शाह वाली कब्रिस्तान। ये मासूम बच्चे फिरते ही करते हैं, अगर उनके ऊपर अटैक हुआ बोल तो बहुत बड़ा पाप का काम है ये, बहुत बड़ा ये आप लोगों को करना, बहुत बड़ी अच्छी चीज है ये। ऐसे हो गए कि जानवर ऐसे हो गए कि अगर आया बोल तो ऊपर उड़ जाते जानवर। अब कम से कम 50-60 है अंदर। जी जी। हाँ, मैं जाते शुरुआत में ही 10-12 दिख गए मेरे को। हाँ, आ जा रहे हैं। हाँ, अटैक करने। हाँ, तो बहरहाल ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम हो जाएगा। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया साहब। अल्लाह आदाब। मैं आप सबका दोस्त की तरह आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो कब्रिस्तान में इस तरीके से ऐसा कुत्ते आ गए, तकरीबन 30-40 बताए जा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, क्योंकि शहर में अभी तक 50-60 किस्से ऐसा कई किस्से आ गए जहाँ पे जो है जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं हमारा कुत्ते जो है बच्चों पे हमला कर दे रहे, कई बच्चों को खा ले रहे, कई बड़े लोगों के अलावा छोटे बच्चों पे भी हमला कर रहे हैं। और कब्रिस्तान में तो के आसपास तो छोटे बच्चे घूमते ही रहते, और क्योंकि ये दरगाह के सामने का मामला है, ज़ियारत के लिए लोग जितने भी दरगाह पे आते यहाँ पे भी आते, तो ऐसा अटैक हुआ तो ये कोई बड़ा बात तो नहीं है ना। चलो पहाड़ उठाने का GHMC वाले आना पकड़ के ले लेके जाना, पहले एक दौर रहता था GHMC वाले कुत्तों को ढूंढते थे, अब बोलने पे भी नहीं आ रहे बोले तो बहुत हैरानी की बात है। क्या है काम, खाली बैठना है GHMC वालों को, ये पकड़ के ले लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो GHMC वाले इतनी जो कोताही बता रहे, अगर किसी ने किसी को कुत्ता किसी पर हमला कर दिया या कोई बच्चे को लिया तो उसका जिम्मेदार कौन कुत्ते दिन के बीच में, जल्द से जल्द आइए ले लेके जाइए, नहीं तो जिम्मेदार आप ही होंगे, सब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। अगर बच्चा कोई जानवर किसी पर हमला किया तो जो है उसके जिम्मेदार इन सब होंगे, और जल्द से जल्द ये काम हो जाना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला हो सकता, बहुत बड़ा इशू हो सकता, किसी की जान जा सकती, कोई घायल हो सकता, और जल्द से जल्द
मेरी गुजारिश है, मेरी खास करके जीएचएम से जल्द काम कर दीजिए। आदाब।